अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां व्यापारियों के विरोध बाद अयोध्या में जीएसटी के छापे स्थगित हो गई। यह जानकारी राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेट फर्स्ट अनंजय कुमार रॉय ने दी, जिसको लेकर आज व्यापारी अधिकारी मंच के संयोजक सुशील जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारियों के साथ राज्य कर अपर आयुक्त ग्रेट फर्स्ट अनंजय कुमार रॉय के साथ वार्ता की। वहीं थोड़ी देर तक चली वार्ता के दौरान जीएसटी में अपर आयुक्त ग्रेट फर्स्ट अनंजय कुमार रॉय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी के छापे में व्यापारियों में भय का माहौल नहीं होना चाहिए। जहां पर आवश्यकता थी वहां पर छापेमारी की कार्यवाही की गई। व्यापारियों का विश्वास हासिल करने के लिए फिलहाल कार्यवाही स्थगित हो गई है। उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें, समय से अपना रिटर्न व टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता है सभी व्यापारियों से अनुरोध है अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी भी व्यापारी को भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने बताया कि दुकान बंद कर व्यापारी भाग रहे थे। अधिकारियों से हुई बात राज्य कर विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी गई। इस बैठक में संगठन पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा संज्ञान लेने व स्थायी तौर पर एसी कार्यवाही को रोकने की मांग भी वार्ता में की। पिछले कई दिनों से प्रदेश सरकार को गुमराह करके जिस तरीके से व्यापारियों का लगातार जिले सहित पूरे प्रदेश में उत्पीड़न किया जा रहा था, वो नाकाबिले तारीफ था, ना बर्दाश्त के लायक था। लगातार छोटे छोटे दुकानदारों पर, छोटे छोटे जगहों पर जाके जीएसटी की पूरी टीम छापे के लेकर और पूरी एकदम गिरोहबंदी के तरह जो है गिरोहबंदी बनाकर और जाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे थे। जबकि पूर्व से ही ये मना है सरकारों के द्वारा, लेकिन पता नहीं किन वजहों से सरकार को गुमराह करके इस बात को जायज़ ठहरा दिया गया कि व्यापारियों की जांच। आज व्यापारियों के लगातार क्रोध को देखते हुए हम लोग यहाँ पर, चूँकि एडिशनल साहब थे नहीं, आज यहाँ पे इनकी उपस्थित में हम लोग आकर मिले और विरोध दर्ज कराया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि आज के बाद जनपद के अंदर किसी भी दुकान पे सर्वे छापे इस तरीके के नहीं होंगे, न कहीं पे कोई टीम जाएगी। अगर कोई उत्पीड़न करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जानकारी होने पर करी जाएगी। ये हम लोगों को पूरी तरीके से बताया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भय छोटे छोटे व्यापारियों में भय व्याप्त था वो आज के बाद समाप्त हो जाएगा। कहीं पे कोई सर्वे छापे नहीं होंगे। हाँ, कहीं पे किसी शिकायत है, किसी तरह कोई गलत कार्य कर रहा है, उसमें ना संगठन पूर्व में साथ रहा है ना आगे साथ में रहेगा। बिना बिल वाउचर के कोई काम ना करे, गलत कोई काम ना करे, जो जीएसटी के अंतर्गत आ रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएं। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक, और आगे और विश्वास कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे, जिस तरह से कई दुकानें बंद चल रही हैं? नहीं, लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं, तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है, लोग अपना व्यापार करें, क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पे लिया गया होगा, आगे क्या बात हुई इसकी तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, SIB यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जाँच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल नहीं होगी। लोग आए हुए वैसे आपसे जानकारी लेने के लिए कि वर्तमान समय में जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो शायद छापे आपके चल रहे, दुकानें बंद करके भाग जा रहा है, किन बिंदुओं पे ये जाँच हो रही है, क्या जाँच का मूड है? संज्ञान ले लिया है आपकी बात जी, तो उसमें सरकार आप हैं, इसलिए आपके जी हम
नोट के माध्यम से भी देवी देवी जो छापेमारी चल रही थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान धन्यवाद। हम लोग पहले दिन से दे रहे हैं सकारात्मक संदेश, आप जैसा सौम्य अधिकारी है हम लोग के बीच में, इसके लिए हम लोग आभार प्रदेश सरकार को भी दे रहे हैं कि आप जैसे अधिकारी को यहाँ पे स्थापित हुए। मेयर साहब सुबह आए हैं, पवार साहब आज रहेंगे, अच्छा वजह क्या थी भाई साहब इसके पीछे, किन बिंदुओं पे ये जा रहे हैं? कहीं कहीं ऊपर के लोगों ने कुछ सोचा होगा, तब किया होगा, उसका कोई हम लोगों को कम्युनिकेशन नहीं दिया गया था।